रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 24 घंटे पहले मेहमानों का अयोध्या पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने हनुमानगढ़ी में सफाई करने के बाद पूजा अर्चना की है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी वो पहुंची और ऐसा ही माना जाता है कि राम मंदिर में आपको जाना है, श्री राम के दर्शन करने हैं तो पहले हनुमानगढ़ी आपको पहुंचना होता है। कंगना रनौत जैसे ही उन्हें न्योता मिला था उनकी तरफ से ये बताया गया था कि मैं बहुत बड़ी राम भक्त हूँ। कंगना रनौत इस मौके पर भावुक होती हुई भी दिखाई दी थी। आपको ये भी बता दें कि कंगना रनौत ने इस पर बातचीत करते हुए ये भी कहा था कि पिछले जन्म में मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कंगना रनौत ने ये भी कहा कि मुझे ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है। सीधे नीचे पे सफाई का कार्यक्रम है। हम सफाई के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। ऐसा तो नहीं कर पाऊंगी शायद, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन था कि मैं हनुमान जी के मंदिर में आके सफाई करूं। अयोध्या कैसी लग रही है कंगना जी? अयोध्या अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है। ऐसा लगता है जैसे ये सच में देव लोग बन गया हो। धन्यवाद। अयोध्या की सजावट को लेकर भी जब कंगना रनौत से सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से बताया गया कि ऐसा लग रहा है कि अब ये अयोध्या पूरी तरह से श्री राम के लिए सजकर तैयार हो चुकी है। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब क्यों रो रहे हैं राजू दास जी? अब क्यों आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? आप अमन जी नहीं समझोगे, आप मीडिया के हो, आपने कहा कि राजू दास जी कैसा बीता। जब ये शायद पहली बार होगा आपकी आंखों में आंसू देखे। पहली बार बाप मर गया तो रोया ही नहीं, क्या बात करते हो। पहली बार मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे। वो राम भक्तों की सीना गोली से छलने होते देखा, आप समझ सकते हो। हनुमानगढ़ी पे वो दिन देखा कि आगे गेट में ताला बंद हो गया, पीछे गेट में ताला बंद हो गया। शंकराचार्य को पीटते हुए, युवा मोर्चा के एक प्रदेश अध्यक्ष था उसको पीटते हुए हम लोग को मारते हुए पुलिस वाले ले गया, क्या बात करते हो। वो भी दिन देखा है। आज जो लोग कहते हैं कालिमी जैसे लोग कहते हैं नहीं मुझको निमंत्रण दो मैं भी आऊंगा, अरे तुम राम के ठेकेदार हो क्या? मेरे भी राम है। आप रोने का समय थोड़ी ना मन राजू जी। नहीं नहीं, ये रोने की बात नहीं है, ये कष्ट है, ये पीड़ा है। उन राम भक्तों की क्या कसूर था मैं पूछना।